पानी की कुछ ये स्थिति है शेरपुर में। शेरपुर कला गाजीपुर जिले में पड़ता है। गाजीपुर जिला जो कि यूपी में पड़ता है। पानी की ये स्थिति है। आने जाने का रास्ता जो है पूरी तरह से बाधित है। ये देख सकते हैं स्थिति यहाँ की, पूरी तरह से पानी में चलना पड़ रहा है, जो कि खतरे से खाली नहीं है। अगल बगल चारों तरफ गड्ढा है, थोड़ा सा पैर इधर उधर हो तो फिर गड्ढे में आदमी चला जाएगा सीधे। ये स्थिति है यहाँ की। पानी पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। गाजीपुर में गंगा की बढ़ने की रफ्तार अभी फिलहाल 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा है, जबकि इलाहाबाद में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है गंगा। तो उम्मीद है अभी यहां भी बढ़ने की रफ्तार और थोड़ा सा ज्यादा होगी और कम से कम एक दिन तो बढ़ेगी ही। ये पानी पूरी तरह से चपेट में ले लिया आपने। आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बाधित है। प्रयागराज में गंगा में बढ़ाव जारी है अभी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक खेत को पूरी तरह से अपने चपेट में पानी ने ले लिया है। ये रास्ता जो जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं, ये भी कुछ देर में बंद होने वाला है, क्योंकि इसको भी पानी अपने चपेट में लेने वाला है। ये रास्ता पूरी तरह से बंद है। ये पूरी तरह से बंद है रास्ता। जाने आने का रास्ता पूरी तरह से बंद है। यहां से गांव से बाहर निकलने के लिए पानी में जाना पड़ेगा, जो कि खतरे से खाली नहीं है। चारों तरफ गड्ढा है, यहां चारों तरफ गड्ढा है। ये लोग पलायन कर रहे हैं अपना जगह छोड़ के। इधर चारों तरफ खेत में पानी चला गया है, चारों तरफ पानी है। इधर ये रास्ता जो कि गांव से बाहर निकलता है, पानी में बढ़ाव जरूर कुछ धीमा है, लेकिन बढ़ोतरी लगातार हो रही है। गाजीपुर में फिलहाल 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ाव कम होने का कारण एक ये भी हो सकता है, क्योंकि पानी का फैलाव भी हो रहा है। इलाहाबाद में गंगा की रफ्तार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा है। ये स्थिति आज की है। किसानों की करोड़ों की फसल नुकसान हुई है, इस गांव की करोड़ों की फसल नुकसान हुई है और करोड़ों से अधिक की जमीन जो कि गंगा में कट के गिर गई है। ये कुछ नजारा है, क्योंकि बाढ़ का पानी है, ये अभी बढ़ाव ही है। ऐसे ही बाढ़ के बारे में जानकारी लेने के लिए और कोई भी बढ़ाव या घटाव से रिलेटेड खबर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।